लोक निर्माण और खेल युवा सेवाएं मंत्री विक्रमादित्य सिंह का आज नूरपुर दौरा रहा। इस दौरे के दौरान उन्होंने अवेयरनेस अगेंस्ट ड्रग मैराथन कार्यक्रम में शिरकत की। इस मैराथन बोर्ड के काली माता मंदिर से आरंभ होकर 5 किलोमीटर का सफर तय कर वहीं और समाप्त हो गई। इस मैराथन में युवाओं और युवतियों ने भाग लिया। दोनों वर्गों में पहले 3 स्थान हासिल करने वाले महिला और पुरुष वर्ग के विजेताओं को विक्रमादित्य सिंह ने सम्मानित भी किया। इसके बाद उन्होंने नूरपुर के चौगान मैदान में बने अटल इंडोर स्टेडियम का दौरा किया। उन्होंने स्टेडियम में 2 टेबल टेनिस कोर्ट का लोकार्पण किया। उन्होंने इस इंडोर स्टेडियम में जिमनेजियम खोलने के लिए 4 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आज उनका नूरपुर दौरा है, जिसमें उन्होंने विधानसभा के विकासात्मक कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि नूरपुर के इंडोर स्टेडियम को रन करने के लिए एक सोसाइटी का गठन किया गया है, जो इस इंडोर स्टेडियम का रखरखाव करेगी। और क्या कुछ कहते हैं लोक निर्माण एवं खेल युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह, सुनिए। आज से 2 दिवसीय हमारे जो 3 विधानसभा क्षेत्र है, नूरपुर का, फतेहपुर और इंदौरा, इस क्षेत्र का हमने एक स्टॉक टेकिंग दौरा रखा है, ताकि यहाँ के जो विकासात्मक कार्य चल रहे हैं उसका जायज़ा लिया जा सके, और साथ ही साथ जो पीछे जो नुकसान आपके आपदा के समय में यहाँ पे हुआ है, बरसातों के समय में, उसका जायज़ा भी लिया जाए, और साथ ही साथ जो विकास के कार्य है उनको गति दी जाए। इसी उद्देश्य से हमने इस इलाके का दौरा रखा है, और आज मैं नूरपुर में सुबह हमने एक बहुत बेहतरीन, यहाँ का जिला प्रशासन ने और यूथ क्लब ने और यहाँ के एनजीओज ने, जो हमारे युवा हैं उनको नशे से जागरूक करने के लिए एक मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत से हमारे स्कूली बच्चों ने, कॉलेज के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, लड़का और लड़के और लड़कियों ने, और अच्छा अवेयरनेस क्रिएट किया है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा इंडोर स्टेडियम है, जो पूर्व सरकार के समय में बना है,